हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर जो पीजी CUET PG 2023 का जो यूनिवर्सिटी ने ब्रोशर रिलीज करा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, कितने सीट्स हैं, ए टू चीज जो भी पीजी के बारे में है, पीजी कोर्सेज के बारे में है, वो ब्रोशर में मेंशन है। तो हम उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं और CUET के अपडेट्स सारे आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। चलो, तो ये रही वेबसाइट, मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडमिशन ब्रोशर PG सेशन 23-24। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये रहा वो ब्रोशर, ठीक है। अब आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, सबसे पहले तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन, फिर इसके बाद में कंटेंट में दिया हुआ है। तब हमारा इम्पोर्टेंट काम ये कि हमें पीजी प्रोग्राम कौन कौन से हैं, पेपर पैटर्न क्या क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट भी देखेंगे और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमें चीज़ें जाननी है। तो चलो सीधे डायरेक्ट हम अपने काम के पेज नंबर पर आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए कि यहाँ पर जो डेट्स हैं वो 20 मार्च को ऑलरेडी फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो गया था और 19 अप्रैल जो कि आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो लास्ट डेट है। काफ़ी लेट यूनिवर्सिटी ने ब्रोशर रिलीज़ किया है इसलिए वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई, पर कोई बात नहीं, आपके जो है फॉर्म डेट एंड होने से पहले मैंने वीडियो बना दिया है। तो एक बार ज़रूर, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया तो भी वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे फीस क्या क्या लग रही है, जनरल कैटेगरी को 1000, OBC को 800, SC/ST को 750 और 700 रुपये PWD वालों के लिए लग रही है यहाँ पर फीस, ठीक है। करेक्शन पोर्टल 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में ओपन होगा। अगर मान लो आप फॉर्म भर चुके हो और आपने ये वीडियो देखने के बाद में आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक कर दी है तो फिर आप यहाँ पे 20 से 23 के बीच में करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करेंगे कि कौन कौन से पीजी कोर्सेज ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे M.Com मिल रहा है, ठीक है। M.Com का जो टेस्ट पेपर कोड है, आप जब फॉर्म भर रहे होगे बेटा तो आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड चूज करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको ये कोड चूज करना है, ठीक है। और ये M.Com में पेपर पैटर्न आपको पता ही है, पेपर पैटर्न सब में सेम रहेगा। मैं बता देती हूँ पेपर पैटर्न, यहाँ पे जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन, 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आएगा, ठीक है। यानी कि कॉमर्स का आपको पूछा जाएगा सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे M.Com कॉमर्स, तो कॉमर्स पूछा जाएगा पूरा। अब एलिजिबिलिटी देख लो, B.Com होना चाहिए आपका, ठीक है। 45% मार्क्स होने आपके ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कोड नंबर QP10 जो कि है MA, वो भी इकोनॉमिक्स से, तो आपसे इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और आपको जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के, 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। एलिजिबिलिटी में आपसे ग्रेजुएशन मांगी है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट में, और 45% मार्क्स होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है SC/ST/PWD को, ठीक है। और जो आता है वो आ रहा है QP11 जो है MA रूरल डेवलपमेंट। तो आपको क्या चूज करना है, आपको यहाँ पर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको लैंग्वेज भी लेना है, जनरल नॉलेज भी आएगा, कंप्यूटर बेसिक्स भी आएगा, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। और ग्रेजुएशन मांगी है, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आता है MBA, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा और इसमें आपसे जनरल, इंग्लिश, verbal ability, maths, quantitative ability, data interpretation and logical reasoning, ये पूछा जाएगा भाई, ये सिलेबस है। तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी आपके डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन चलेगी, आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, आप एमबीए कर सकते हो, अगर 45% मार्क्स होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये P12 है इसका भी कोड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वो दे रहे हैं, सेम चीज़ें पूछी जाएंगी, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी यहाँ पर सेम पेपर पैटर्न है और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आ जाओ M.Lib और ठीक है M.Lib पे आते हैं लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, इसका है P13 QP13। तो लाइब्रेरी साइंस में आपको 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के आएंगे और 75 क्वेश्चन में आपको डोमेन स्पेसिफिक यानी लाइब्रेरी साइंस पूछा जाएगा। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होना चाहिए B.Lib, ठीक है, आपने बैचलर्स कर रखी हो लाइब्रेरी साइंस में और 50% मार्क्स आपके ज़रूरी है और 45% SC ST और PWD वालों के लिए, ठीक है। फिर आ जाओ P14 QP14 जिसमें LLM, जिसमें आपको लॉ पूछा जाएगा एज अ सब्जेक्ट। तो आपको 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के आएंगे, जनरल क्वेश्चंस आएंगे जीके वगैरह के और 75 क्वेश्चंस आपके लॉ से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से सुनना, आपने LLB कर रखी हो, BA LLB कर रखी हो या B.Com LLB या BSc LLB BA LLB कर रखी हो, ठीक है, ये आपने कर रखी होना जरूरी है। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड LLB 3 years आफ्टर ग्रेजुएशन अंडर 10+2+3, मतलब 12th के बाद में आपने 3 साल की LLB कर रखी हो या फिर LLB या फिर जो BA LLB कर रखी हो 5 साल की, ठीक है, या फिर ये वाला पैटर्न हो 10+2+5, ठीक है, ये आपने कर रखा हो तभी आप एलिजिबल हो। अगेन मार्क्स क्राइटेरिया भी 50% मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 5% रिलैक्सेशन के साथ में। नेक्स्ट इज M.Ed, ठीक है, एजुकेशन। M.Ed अगर आप करना चाहते हो तो QP15 आपने क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है और पेपर पैटर्न में आपको 25 जनरल टेस्ट के पूछे जाएंगे, 75 आपके पूरे एजुकेशन से रिलेटेड, जो B.Ed कर रखी होगी वही M.Ed करेंगे, तो B.Ed में जो आया होगा आपको पढ़ा होगा वही आपको M.Ed में पूछा जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो ये होगी कि आपने B.Ed BA BEd BSc BEd, ठीक है, BL.Ed या DL.Ed कर रखा हो विथ 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज। फिर आ जाओ बेटा MA एजुकेशन। MA एजुकेशन में QP16 है इसका आपका कोड और वही सर 25 क्वेश्चन जनरल है, 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपने किसी भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखा हो 45% अंक के साथ में। नेक्स्ट इज QP17 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन MAJMC, ठीक है, पेपर पैटर्न सेम है, आपने किसी भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखा हो। नेक्स्ट इज QP21 यौगिक साइंस जिसमें MA और MA या फिर MSc यौगिक साइंस में, ठीक है, MA MSc यौगिक साइंस, इसमें पेपर पैटर्न अगेन सेम है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में यूजी कर रखा हो आप इसमें एलिजिबल हो। फिर आ जाओ यहाँ पर अब MA एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे देखो कोड में थोड़ा सा चेंज है, ये CO था अभी तक, यहाँ पे HU हो गया है, ये कोड का ध्यान रखना। QB01 और पेपर पैटर्न सेम रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही, आपने यूजी कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में विद 45% मार्क्स। फिर आ जाओ MA MSc एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, 75 क्वेश्चन आपके एंथ्रोपोलॉजी के और 25 आपके जनरल नॉलेज के, यह है QB02। और आपने यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन कर रखी हो एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में या फिर लाइफ साइंसेस में। लाइफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपके जो है लाइफ साइंसेस के वो आ जाते हैं, अगर इनमें कर रखी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, 45% मार्क्स आपके जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ MPA मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपसे पूछा जाएगा QP24, ठीक है, ये इसका कोड है और पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। एलिजिबिलिटी ये है कि आपने यूजी कर रखा हो किसी भी फील्ड में तो भी आप कर सकते हो MPA। अब आ जाओ MA MSc जियोग्राफी, इसका पेपर पैटर्न सेम है, ग्रेजुएशन हो आपकी जियोग्राफी में तभी आप MA या MSc कर सकते हो जियोग्राफी में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। MA हिस्ट्री में आपका पेपर पैटर्न सेम है और किसी भी डिसिप्लिन से आपने यूजी कर रखी हो तो आप MA हिस्ट्री में जा सकते हो। M.A हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें आपने यूजी कर रखी हो म्यूजिक में, ठीक है, वो भी वोकल या अलाइड सब्जेक्ट्स में आपने यहाँ पर जो है अपनी यूजी कंप्लीट कर रखी हो विद 45% मार्क्स। नेक्स्ट आ जाओ एमए फिलोसफी। तो एमए फिलोसफी के लिए आपने कोई भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये पूछा जाएगा 75 जो क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल पूछे जाएंगे। एमए पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपने किसी भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखा हो तो आप एलिजिबल। एमए एमएससी साइकोलॉजी, इसमें भी जो है आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर वो कर रखी है अपनी यूजी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। एमएसडब्ल्यू सोशल वर्क, ठीक है, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, तो इसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी फील्ड में किसी भी उसमें तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एमए सोशियोलॉजी की बात करें तो एमए सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजी पूछा जाएगा और यहाँ पर कोई भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखी हो 45% मार्क्स जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाओ एमए परक्यूशन म्यूजिक, इसमें देखो आपने यूजी कर रखी हो तबला में म्यूजिक, यूजी विथ म्यूजिक, वो भी तबला एंड अलाइड सब्जेक्ट और आपके 45% मार्क्स भी होना जरूरी है, समझ में आ गई बात। और आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डोमेन स्पेसिफिक यानी ये परक्यूशन म्यूजिक जो है उससे रिलेटेड, और 25 जनरल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ एमए इंग्लिश। एमए इंग्लिश में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वही आपका इंग्लिश पूछा जाएगा और बाकी आपके 25 क्वेश्चन जो है जनरल और डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखी हो। फिर एमए हिंदी में भी सेम है और सेम आपने यूजी कर रखी हो। एमए संस्कृत में भी बिल्कुल सारी चीजें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। एमए लिंग्विस्टिक के लिए भी एवरीथिंग इज सेम, आपने बस ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में। एमए उर्दू के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, देखो एमए उर्दू के लिए क्या पूछेंगे, 25 क्वेश्चन जनरल के जिसमें कंप्राइजिंग ऑफ जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें 75 क्वेश्चन जो है वो उर्दू के आएंगे, ठीक है, और आपने यूजी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में। अब आ जाओ एमएससी बॉटनी। एमएससी बॉटनी अगर आपको करना है तो आपने ग्रेजुएशन बॉटनी से कर रखी हो तभी आप एलिजिबल हो और 45% मार्क्स भी होना जरूरी है। एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो आपने जो है यूजी अपनी केमिस्ट्री में कर रखी हो तो ही आप एलिजिबल हो विद 45% मार्क्स। फिर एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी हो और 50% एटलीस्ट मार्क्स आपके जरूरी है। एमए क्रिमिनोलॉजी, एमए क्रिमिनोलॉजी भी आप कर सकते हो अगर आपने यूजी किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है और 45% मार्क्स हैं आपके। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, तो इसमें आपने बैचलर्स डिग्री एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन फिशरी, एक्वाटिक साइंस, मरीन बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी या फिर कंप्यूटर साइंस। भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आपका एक भी कोई सब्जेक्ट है तो फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है। फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आपको करना है तो आपने बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी हो, बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर एमएससी फॉरेंसिक साइंस करना है तो आपने बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी हो तो आप भी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का पेपर दे सकते हो विद 45% मार्क्स, ठीक है। एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी, अगर एमटेक करना है अप्लाइड जियोलॉजी से तो आपकी ग्रेजुएशन जियोलॉजी से होना जरूरी है, समझ में आ गई आपको बात, और 45% मार्क्स भी होना जरूरी है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको लेना है तो फिर आपका लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। लाइफ साइंस यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी सेम क्राइटेरिया है, लाइफ साइंस से ग्रेजुएशन जरूरी है। एमएससी एमए मैथमेटिक्स, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में जरूरी है, समझ गए। फिर एम फार्मा का भाई ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा अलग है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आपने बी फार्मा कर रखी हो विथ 55% मार्क्स और आपने जीपेट या गेट जो है वो क्वालिफाई कर रखा, उसका स्कोर भी देखा जाएगा, ठीक है। 55% मार्क्स जरूरी है और आपके 5% मार्क्स जो है वो रिलैक्सेशन SC/ST को मिल जाता है। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स में कर रखी हो, ये जरूरी है। एमएससी जूलॉजी की बात करें तो आपने जूलॉजी में ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ यूजी कोर्सेज जो हैं, जो ये कोर्स यूजी के हैं, ध्यान रखना ये कोर्स यूजी के हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये पीजी के अंदर एग्जाम ले रही है इन कोर्सेज का, तो सबसे पहला कोर्स आता है इसमें बी.लिब। बी.लिब करने के लिए आपको पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूईटी पीजी का, ठीक है। तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो ही आप ये कोर्स कर सकते हो। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है लेकिन इसमें ग्रेजुएशन जरूरी है, इसलिए ये पीजी मैथ्स का एग्जाम लिया जा रहा है। इसमें आपसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एटीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। और फिर बैचलर ऑफ लॉ LLB अगर आपको करना है तो इसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप LLB कर सकते हो। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे। इनके अलावा कुछ भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो आपको जनरल टेस्ट का ही यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। क्लियर होगी बात। फिर एक और आता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के लिए आपने यहाँ पर जो है किसी भी डिसिप्लिन में यूजी कर रखी हो तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का एग्जाम दे सकते हो। ये अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थ्री कोर्सेज बिलोंग टू यूजी कोर्सेज बट यूनिवर्सिटी इज टेकिंग एडमिशन थ्रू CUET PG 2023। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन दीज थ्री स्पेसिफिक कोर्सेज, आई एम रिपीटिंग दीज, B.Liv, LLB and B.J, then you have to apply for CUET PG. Is that clear everyone? एक बार मैं हिंदी आई बता दे रही हूँ। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में B.Liv, LLB या फिर B.J में एडमिशन लेना चाहते हो, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है लेकिन यूनिवर्सिटी इसको PG के अंडर में एग्जाम ले रही है क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे CUET PG देना होगा। क्लियर हो गई बात। एज क्राइटेरिया और सुन लो, इसमें मैं आपको सीट्स जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगी। एज क्राइटेरिया सुन लो, फॉर MA, MSc, M.Com, MBA, M.Pharma, M.Tech, MCA, MPA मैक्सिमम एज दी है 27 साल, ठीक है। और यहाँ पर 32 इयर्स दिया हुआ है, 32 साल जो है वो SC ST और PWD के लिए दिया है। फिर हम बात करें MAJ, MC, M.Lib, M.Ed, L.L.M, MA इन रूरल डेवलपमेंट, MA, MSc इन योगिक साइंस। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 फॉर UR, EWS एंड OBC NCL एंड 40 है आपका SC ST और PWD के लिए। LLB के लिए देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है LLB, ठीक है। B.Liv और B.J के लिए यहाँ पे आपका 30 इयर्स जो है इससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए और 35 जो है वो SC ST के लिए। नाउ देयर इज नो एज बार फॉर सर्विंग डिफेंस पर्संस। अगर आपका डिफेंस कोटा है तो आपको कोई भी यहाँ पर एज लिमिट नहीं दी गई है। इज दैट क्लियर। अब हम जो सीट्स की बात है वो मैं अगले वीडियो में करूंगी। फिलहाल अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न और एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको इसी चैनल पे देती हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना विद सारे के सारे फ्रेंड्स में। काउंसलिंग से लेके जब तक आपका पूरा एडमिशन हो नहीं जाता यूनिवर्सिटी में, सारे के सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे, वो भी सही अपडेट्स। तो सही अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।